हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मैं इस स्टडी यूट्यूब चैनल में। और आपको मैं 17 क्वेश्चन की बात करता हूँ। मैंने आपको ऑलरेडी 16 क्वेश्चन करा दिए हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इस बार कुछ वीडियो में बात करूँगा, दी प्लेन के। तो जल्दी चैप्टर आपका एंड हो जाएगा, इस वीडियो में आपका चैप्टर एंड है और अगली वीडियो में आपकी जो अनसोल्ड और गैस पे बची हूँ वो आपको कंप्लीट कराऊंगा। अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के नोट चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट करना है 9411009110 9411009110। एक बार नंबर लिख लीजिए 9411009110। ओके, तो बात करता हूँ क्वेश्चन की। क्वेश्चन दे रखा है कि ए वेरिएबल प्लेन इज एट कांस्टेंट डिस्टेंस 3p। एक कांस्टेंट डिस्टेंस है 3p और उस पर एक वेरिएबल प्लेन है आपका फ्रॉम द ओरिजिन एंड मीट्स द एक्सिस इन ABC सो दैट द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC। तो आपको क्या है कि पॉइंट्स, लोकस के पॉइंट्स आपको सेंटर केंद्र से आपको पॉइंट्स फाइंड करने हैं ट्राइंगल के। जो पॉइंट्स आपके क्या है कि एक्स वे -2 प्लस वाई वे -2 प्लस जेड वे -2 बार p-2 का आपके ये वाले पॉइंट्स निकल के आएंगे, आपको ये वाला फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, लेट द इक्वेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो हम वेरिएबल्स की जो इक्वेशन है वो क्या एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी बराबर होती है और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। तो वेयर ABC आर वेरिएबल्स, इस पर जो पॉइंट्स हैं आपके ABC लोकस के वो आपको क्या है वेरिएबल्स हैं। तो द प्लेन इज ए कॉन्स्टेंट डिस्टेंस 3p फ्रॉम द ओरिजन। तो ओरिजन से आपकी जो दूरी हम फाइंड करते हैं, डिस्टेंस फाइंड करते हैं, वो आपकी 3p इन ऑलरेडी दे रखी है, बट हमको किसकी, इसकी पॉइंट्स की फाइंड करनी है। तो ax प्लस by प्लस cz प्लस d अपॉन रूट a² प्लस b² प्लस c², ये आपका होता है क्या फॉर्मूला। ओके, तो उसके बाद एक्स वाई मतलब 1/a, ठीक है, 1/a इंटू 0। तो एक्स वाई जेड इनकी वैल्यू हमारी 0 हो जाएंगी क्योंकि ओरिजिन से हमारी वैल्यू। तो 1/a इंटू 0 प्लस 1/b इंटू 0 प्लस 1/c इंटू 0 -1/ ये आपको हो जाएगा। और ABC इनकी वैल्यू 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c², मतलब यहाँ से एक्स बाई जेड इनकी वैल्यू फाइंड करने तो कितनी आएगी ABC, या एक्स बाई जेड लिख दी चाहे ABC लिख दी कोई दिक्कत नहीं है। और पी डैस जो हमने माना है इसकी दूरी, क्योंकि पी तो हमारी भी दूरी है तो इसको पी डैस मान लें, कुछ भी मान लें, कोई दिक्कत नहीं पड़ती है। इसकी जो वैल्यू हमें दे है वो हमको दे रखी है 3p ऑलरेडी, ठीक है। तो -1/ और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, तो √1/a² प्लस √1/b² प्लस √1/c² बराबर -1/3p। आपको क्या स्क्वायर करना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों को स्क्वायर करेंगे तो 1/a² प्लस 1/c² प्लस 1/c² बराबर 1/9b² आ जाएगा। उसको हम क्या मान लें इक्वेशन 2, ठीक है। तो दोनों को इक्वेशन के करने पर स्क्वायर, तो 1/9b² आ गया, इक्वेशन इसको 2 मान ली। तो लैंग्वेज लिखनी है आपको थोड़ी सी कि नाउ द प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस एट द पॉइंट। तो इस पॉइंट्स पे क्या है मीट कर रहा है, तो ए पॉइंट हम निकालेंगे। तो ए पॉइंट की क्या है कि आपकी बाई की और जेड की वैल्यू 0 होंगी, मतलब बाई और जेड एक्सिस 0। बी पॉइंट के लिए आपकी एक्स बाई जेड एक्सिस 0, मतलब सॉरी इस पर बाई जेड एक्सिस 0, इस पर आपकी एक्स और जेड एक्सिस 0, मतलब बी पॉइंट बचेगा। एंड सी पॉइंट्स के लिए आपको एक्स और बाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, आपका जेड सी पॉइंट बचेगा। तो लेट एक्स वाई जेड बी द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ABC आपके कैस के कोऑर्डिनेट्स हैं और आपको हमें केंद्र कैस को फाइंड करना है, मतलब सेंटर इसके फाइंड करना है। इसके लिए एक्स और a प्लस बी प्लस सी, या लिख लीजिए एक्स प्लस बाई प्लस जेड अपॉन 3। तो बाई और जेड की वैल्यू 0 ये बची, तो यहाँ से एक्स और ए बाई 3 आ जाएगी। और सिमिलरली हम अगर एक्स बाई और जेड मतलब बाई और जेड की वैल्यू फाइंड करें इसी टाइप से, तो बाई और बी अपॉन 3 और जेड और सी अपॉन 3 आपका आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद ए की वैल्यू यहाँ से 3x आएगी, बी की वैल्यू 3y आएगी, सी की वैल्यू 3z आएगी। ABC की वैल्यू हमको इक्वेशन 2, ये वाली इक्वेशन 2 आपकी, इसमें ये इक्वेशन, ठीक है, इसमें आपको क्या पुट कर देनी है। तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, तो 1/9x² प्लस 1/9y² प्लस 1/9z² बराबर 1/9p² आ गया। 1/9 से कॉमन ले लिया, तो नीचे आपका 1/x² प्लस 1/y² प्लस 1/z² बचा। 1/9 जैसे कॉमन है और 1/9p², तो 1/9 से 1/9 कट गया, p² नीचे बचा और x² जो ऊपर ले जाएंगे, तो x -2 प्लस y की -2 प्लस z की -2 बराबर p-2 आ जाएगा। और यही आपका क्या आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो वीडियो को लाइक कर दें, आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई भी कंफ्यूजन आपको तो व्हाट्सएप नंबर दे रहा है मैंने, आप कमेंट में पूछ सकते हैं जाके कि बी पॉइंट में कह रहे हैं ये लोग कि इन एवो इक्वेशन टेकिंग डिस्टेंस इन प्लेस ऑफ 3p की, 3p डिस्टेंस की जगह हम क्या कर दें, आपको डिस्टेंस क्या लेनी है, डी डिस्टेंस डी लेनी है प्लेस ऑफ 3p, 3p जगह आपको डिस्टेंस डी ले लेनी है। तब हमको इक्वेशन क्या है लोकेशन के फाइंड करने, तो लिखेंगे वी नो दैट, जब हम इसकी वैल्यू चेंज करेंगे तो वैल्यू क्या चेंज कर लेंगे, जो वैल्यू चेंज होकर निकल आएंगे वो कर लेंगे एक्स अपॉन अल्फा प्लस वाई अपॉन बीटा प्लस जेड अपॉन गामा इक्वल टू 1, ठीक है। तो द प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट ABC, द प्लेन Thank you.
इस पॉइंट पॉइंट्स आपको फाइंड मतलब क्रॉस करना है। तो ए अपॉन अल्फा प्लस बी अपॉन बीटा प्लस सी अपॉन गामा बन, ठीक है। एक्स वाई जेड को हम क्या ए बी सी से या पॉइंट्स के ए बी सी हमने मान लिए, इससे हो रहा है और देखेंगे ए बी सी जो उसके पॉइंट्स हैं इस पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट हैं उनकी क्या पैनल क्या है कोऑर्डिनेट के, पहले जो पॉइंट्स हैं आपके तो अल्फा इक्वल टू एक्स, बीटा इक्वल टू वाई और जेड इक्वल टू गामा, वो सॉरी अल्फा बीटा गामा इक्वल टू जेड आपको मान लेने हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट और फर्स्ट आपको ये मान लेना, ठीक है। तो उसकी जगह आपको पॉइंट कर देने, तो ए अपॉन एक्स आ जाएगा प्लस बी अपॉन वाई प्लस सी अपॉन जेड इक्वल टू वन, और ये हो जाएगा ए एक्स इनवर्स प्लस बी वाई इनवर्स प्लस सी जेड इनवर्स इक्वल टू वन, ठीक है। कुछ नहीं करना था, सिर्फ कुछ नहीं करना था, डी पॉइंट को लेना है या हमको सिर्फ वैल्यू जोड़नी है आपकी, चेंज कर देनी है, ठीक है। तो ये आपको हो गया आंसर। उसके बाद आपका नया पॉइंट आता है इसमें बाई सेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, टू प्लेन्स के आपको बिटवीन आपको बाई सेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, ये आपका पॉइंट है। इसका क्वेश्चन जो है काफ़ी कम आपके पूछे जाते हैं, लेकिन आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, आपको सब करने चाहिए। तो इसके थोड़े फॉर्मूले लगा देता हूँ। द प्लेन लेट, हम भी प्लेन मान लेते हैं ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड प्लस टी वन बराबर जीरो, इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरे को मान लेंगे ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड प्लस डी टू बराबर जीरो, इक्वेशन टू, ओके। तब जो फॉर्मूला आपका निकलेगा ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड प्लस डी वन अपॉन रूट ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर बराबर प्लस माइनस ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड प्लस डी टू अपॉन रूट ए वन स्क्वायर सॉरी ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर, ठीक है। तो इसका हम क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन फर्स्ट डाल देता हूँ इसमें, क्योंकि आप इस पॉइंट का क्वेश्चन फर्स्ट आपको देखना है। ये क्वेश्चन आपका कि प्रूव दैट द पॉइंट्स वन को माइनस वन थ्री एंड थ्री थ्री आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द प्लेन के इस बराबर डिस्टेंस पर हैं, फाइव एक्स प्लस टू वाई माइनस सेवन प्लस नाइन बराबर जीरो एंड लाई ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ इट, कि इनके अपोजिट साइड पर क्या लाई करते हैं काटते हैं। तो द गिवन प्लेन आपको देखकर फाइव एक्स प्लस टू वाई माइनस सेवन प्लस नाइन बराबर जीरो, और इनके ए वन बी वन सी वन आपको इनके पॉइंट्स मानने हैं फॉर्मूला के अनुसार। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वन को माइनस वन थ्री फ्रॉम द गिवन पॉइंट, इन गिवन पॉइंट से आपकी डिस्टेंस क्या होगी वो हमको फाइंड करनी है, इसको हम डी वन मान ले रहे हैं। तो पहले इस पॉइंट के निकालेंगे, तो डी वन इस पॉइंट के लिए डी टू, तो मैं आपको डी वन निकाल के दिखा रहा हूँ, डी टू आप खुद निकालेंगे। फॉर्मूला आपको होता है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड प्लस डी अपॉन रूट ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर। तो फाइव इंटू वन, वन का मतलब एक्स वाई जेड, मतलब आपकी वैल्यू दे रखी है एक्स वाई जेड की, प्लस टू इंटू माइनस वन माइनस सेवन इंटू थ्री प्लस नाइन, और प्लस नाइन वाले ये और जेड की वैल्यू आपकी थ्री अपॉन ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर, ए वन बी वन सी वन की वैल्यू ये आपकी हो गई। तो फाइव स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस सेवन स्क्वायर, तो डी वन बराबर नौ बट्टे दी हो जाएगा, आपको खुद से सॉल्व करना है। तो फाइव प्लस टू माइनस टू माइनस सात तो इक्कीस माइनस इक्कीस प्लस नाइन, तो आपको ये आएगा नाइन निकल के अपन माइनस के रूट अठहत्तर, तो माइनस नौ बट्टे रूट अठहत्तर और डिस्टेंस आपकी माइनस में नहीं होती तो आपकी हो जाएगी नौ अपन रूट अठहत्तर। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन करना है, और आपको फिर ए वी एक्स वाई जेड आपको अगली बार थ्री थ्री मान लेने हैं, मतलब आपको आपको थ्री थ्री नहीं मान लेने हैं, वो आपको सेल्फ करना है, ठीक है। उसके बाद आपके जो पॉइंट निकल के आते हैं वो अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन्स, पैरेलल प्लेन्स टू एक्स माइनस टू वाई प्लस जेड प्लस वन बराबर जीरो एंड फोर एक्स माइनस फोर वाई प्लस टू जेड प्लस थ्री बराबर जीरो। तो द गिवन प्लेन्स आपको दे रखे हैं दो के टू एक्स माइनस टू वाई प्लस जेड प्लस वन बराबर जीरो, और दूसरा आपको दे रखा है फोर एक्स माइनस फोर वाई प्लस टू जेड प्लस थ्री बराबर जीरो। तो वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स के दो प्लेन्स के बीच की दूरी के लिए हमारा जो
फॉर्मूला होता है वो डी बराबर डी वन माइनस डी टू, मतलब या डी टू माइनस डी वन, या पहले में से दूसरे को घटा देंगे, या पहले में से दूसरे को पहले में से आप घटा देंगे तो आपको डी निकल आएगा। तो ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड प्लस डी वन अपन जीरो अपन रूट वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर, मतलब आपको फॉर्मूला लिख देना है। और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड प्लस डी टू अपन रूट ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर। तो फ्रॉम द ओरिजन, ओरिजन का मतलब जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो, ठीक है। तो एक्स वाई जेड के आपको जीरो रख देनी है, तो आपको पहले सीधी इक्वेशन लिख दी है मैंने, ठीक है, दोनों की इक्वेशन को लिख देनी है। और ओरिजन से पूछा है तो ओरिजन के लिए एक्स वाई जेड की वैल्यू जीरो जीरो जीरो, एक्स वाई जेड की वैल्यू आपने क्या ले ली जीरो जीरो जीरो, तो इसकी वैल्यू जीरो ले ली आपको, ये आ जाएगा थ्री निकल के, तीन तीन नौ, मतलब रूट नौ का तीन निकल कर आता है वैल्यू, और छत्तीस की आपकी छः निकल कर आती है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको हो जाएगा वन बाई टू निकल कर आएगा ये यहाँ से, और जब ये हो जाएगा वन बाई थ्री और ये हो जाएगा वन बाई टू, तो डी निकालेंगे आप तो माइनस वन पॉइंट सिक्स, तो डिस्टेंस माइनस वन ही होती है, तो आपका वन बाई सिक्स, तो ये आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन आपको कोई नहीं, सेम क्वेश्चन इस टाइप के दे रखूँ डिस्टेंस निकालने के लिए बाई सेक्टर ऑफ एंगल या एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, तो आपको इस टाइप से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड आता है कि टू सिस्टम्स ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस की, रेक्टेंगुलर एक्सिस की सिस्टम्स हैं द सेम ओरिजिन, उनके ओरिजिन सेम है इफ़ द प्लेन, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ द प्लेन कट्स देम एट डिस्टेंस ए बी सी एंड ए डस बी डस सी डस, तो आपको ए बी सी और ए डस बी डस डी सी डस को रेक्सिबली काटती हैं फ्रॉम द ओरिजिन, तो प्रूफ दैट आपको प्रूफ करना है कि वन पॉइंट ए स्क्वायर प्लस वन पॉइंट बी स्क्वायर प्लस वन पॉइंट सी स्क्वायर बराबर वन पॉइंट ए डस स्क्वायर प्लस वन पॉइंट बी डस स्क्वायर प्लस वन पॉइंट सी डस स्क्वायर, तो ये आपको क्या है प्रूफ करके दिखाना है। इसलिए हम क्या करेंगे, एक फिगर आपको बनाना है और दो एक्सिस के साथ, मतलब एक एक्सिस मेन आपको एक्स वाई जेड ले लेनी है, दूसरी आपको डॉटेड लाइन से दिखानी है, मतलब एक्स डैश और वाई डैश वाई जेड डैश। इस पॉइंट की रेखा के लिए हम ए पॉइंट, इसको बी पॉइंट, इसको सी पॉइंट ले लेंगे, और डैश वाली के लिए इसको ए डैश, इसको बी डैश, इसको सी डैश, ठीक है। तो हल्की सी लैंग्वेज लिखनी है कि लेट ओ एक्स ओ वाई ओ एंड ओ जेड एंड ओ एक्स डैश ओ वाई डैश एंड ओ जेड फ्रॉम टू सिस्टम्स ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, कि दो सिस्टम्स आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस के बनाए गए हैं। देन इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद रेस्पेक्ट टू दीज ऑफ सिस्टम आर, ठीक है। तो एक्स अपन ए प्लस बी वाई अपन सी प्लस जेड अपन सी, हमने इसके एंगल या रेक्टेंगल एक्सिस या सिस्टम, दो सिस्टम्स हमने मान लिए, ठीक है। और दूसरा एक माना है रेक्टेंगुलर डिस्टेंस या रेक्टेंगुलर एक्सिस जो मांगी है वो है एक्स अपन ए डस प्लस बाई अपन बी डस प्लस जेड अपन सी डस बराबर वन, तो दो ले लिए हमने। उसके बाद आपको लिखा है कि सिंस द ओरिजिन इज इन कॉमन, तो आपको ओरिजिन से ले जाना है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू जीरो है, तो डायरेक्टली हम क्या है कि इसका अगर हम कोफिशिएंट फाइंड करेंगे तो इसका वन पॉइंट ए निकल गया, इसका वन पॉइंट बी, इसका वन पॉइंट सी, तो भाई मैंने दूरी में सीधा लगा दिया इसको वन मान के, तो वन पॉइंट ए स्क्वायर प्लस वन पॉइंट बी स्क्वायर प्लस वन पॉइंट सी स्क्वायर, उसको वन पॉइंट ए डी स्क्वायर प्लस वन पॉइंट बी डी स्क्वायर प्लस वन पॉइंट सी डी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर देंगे, तो ये जो आपकी प्रूफ कराई थी वो निकल के आ जाएगी, ठीक है। होप करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है आपको, अलग अलग दो लाइन्स बना लेनी है या तो प्लेन्स की इक्वेशन ले ली है और उसको पुट कर देना है। फोर्थ है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स वन टू थ्री एंड थ्री कॉमा जीरो कॉमा माइनस वन फ्रॉम द प्लेन थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस फाइव प्लस वन बराबर जीरो आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ द प्लेन, कि इसके सेम साइड ऑफ द प्लेन है। तो इस टाइप को इसी से करना है कि द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस फाइव जेड प्लस वन बराबर जीरो एट पॉइंट वन टू थ्री, वन टू थ्री पर आपको इस इक्वेशन की आपको प्लेन फाइंड करनी है। पी बराबर ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड, एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको दे रखी है, ए वन बी वन सी वन की वैल्यू आपकी ये है, तो वैल्यू लगा दी, पी की वैल्यू निकल कर आएगी थ्री पॉइंट रूट फिफ्टी। इस टाइप से आपको पॉइंट थ्री कॉमा जीरो कॉमा माइनस वन आपको क्या सेल्फ करनी है, ये आपको मैं नहीं कराऊंगा, ये आपको खुद से सेल्फ करनी है। ये क्वेश्चन इस टाइप के बहुत ही कम पूछे जाते हैं, इसको मैं आपको सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, इसलिए डायरेक्टली आपको करके दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद आपका एक पॉइंट इसमें और आ जाता है क्वेश्चन, उसके बाद आपका कंप्लीट है ये वाला चैप्टर कि एंगल बिटवीन द प्लेन्स, आपको बिटवीन द प्लेन्स एंगल फाइंड करना है। तो वी नो दैट द जनरल इक्वेशन, और प्लेन की जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू एफ वाई जेड प्लस टू जी जेड एक्स प्लस टू एच एक्स वाई बराबर जीरो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी डैश सी जेड स्क्वायर प्लस टू एफ वाई जेड प्लस टू जी जेड एक्स प्लस टू एच एक्स वाई बराबर जीरो, कंपेयरिंग बाई गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो गिवन इक्वेशन में कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ कंपेयरिंग में आपको लिखना है इस इक्वेशन में ए बी सी एफ जी एच, इन तीनों की वैल्यू आपको निकालनी है। उसके बाद ये वाला फॉर्मूला टेन थीटा बराबर टू एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए अपन ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ई वाले फॉर्मूले आपको पुट कर देनी पहले। इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने करा दिया है, सभी इस टाइप के क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे कि प्रूव दैट द इक्वेशन टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स वाई स्क्वायर माइनस ट्वेल्व जेड स्क्वायर प्लस एटीन वाई जेड
ठीक है, तो इसका हमें कंपेयरिंग करनी है। तो ए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से आप एक्स स्क्वायर, तो ए की वैल्यू यहाँ से 2 निकल के आ गई, बी की वैल्यू मतलब बाई स्क्वायर, तो बाई स्क्वायर सेम है, बी की वैल्यू -6 आ गई, सी की वैल्यू आपकी -12 आ जाएगी। उसके बाद आपको एच की वैल्यू कैसे निकालनी है, काफ़ी दिक्कत होती है बच्चों को एच की वैल्यू निकालने में। तो देखिए इसमें देखा आपका एच कहाँ पर है, ये देखिए क्वेश्चन से इक्वेशन कौन सी आपकी 2 एच एक्स वाई, तो एक्स वाई लास्ट के पॉइंट देख लीजिए एक्स वाई किस में है, तो एक्स वाई आपकी ये है, ठीक है, और यहाँ आपका कॉन्फिशेंट 1 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स वाई और एच की वैल्यू निकालेंगे तो 2 आपके इधर चले जाएगा, तो एच की वैल्यू 1/2 निकल कर आ जाएगी क्योंकि बराबर 2 है इसके, तो एच की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। एफ जी, तो एफ देखिए इसमें किस में आ रहा है, एफ ये आ रहा है बाई जेड, तो लास्ट बाई जेड देख ली इसमें 18 आ रहा है, एफ निकालेंगे यहाँ से तो 2 से भाग हो जाएगी 18 के लिए, तो आपको 9 निकल के जाएगा। क्यों कैसे आ जाएगा कि 2 एफ वाई जेड, तो 2 एफ बराबर कितना है आपका 18 है, तो एफ बराबर कितना आ जाएगा 9, ठीक है, और जी की वैल्यू आपकी जेड एक्स, तो जेड एक्स ही देख लीजिए और जी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है, तो 2 जेड एक्स, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका 1 बचेगा। कुछ नहीं करना है, 2 फॉर्मूला के अनुसार एफ जी एच माइनस ए बी माइनस बी से माइनस सी ए, एफ जी एच ए बी बी सी सी ए की वैल्यू रख देनी है, ए प्लस बी प्लस सी, तो ए की वैल्यू बी की वैल्यू सी की वैल्यू दोनों पुट कर देनी है, और उसके बाद ये आ जाएगा 2 अपॉन रूट 185 अपॉन 2 माइनस 16, 2 से 2 हम कैंसिल कर देंगे और ये आपका निकल जाएगा थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर माइनस रूट 125/16। तो ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।